नमस्कार मित्रों, आइए आज मैं आप लोगों को नेपाल के एक जगह पोखरा है वहाँ पे स्थित एक बारावी देवी मंदिर की तरफ ले चल रहा हूँ। यह मंदिर जो है बिल्कुल झील के बीचों बीच स्थित है। इस समय आप जो देख रहे हैं, हम लोग झील की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ का मार्केट है। ये बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य मैं आपको यहाँ दिखाऊँगा, क्योंकि हिमालय में की पहाड़ियाँ जो हैं, उससे ऊंची चोटियां जो हैं, उसमें से 10 ऊंची चोटियां हैं, उसमें से 8 चोटियां जो है आपकी नेपाल में स्थित हैं। उसमें से कुछ चोटियां आपको यहां पे दिखाई देंगी, इसलिए आप अंत तक बने रहें। ये देखिए टिकट घर है, यहां से टिकट लेके हम नौका विहार करते हुए बारावी देवी के मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए झील कितना सुंदर लग रहा है, और उसके किनारे पे आप देख रहे होंगे हिमालय की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। अभी हम बीचों बीच चलेंगे तो आपको मैं बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ भी दिखाऊंगा, जो कि बड़ा ही अद्भुत लगता है। देखिए कितना सुंदर और मनोरम दृश्य लग रहा है। इस समय शाम का समय है, शाम के समय में और भी दृश्य निराला होता जा रहा है। अब देखिए यहाँ आप दूर तक देखिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ थोड़ा सा धुंधला धुंधला भी है। यहाँ पे ये देखिए बारावी देवी का मंदिर है, इसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये पैदल नौकायान है, पैदल चला रहे हैं, ये ट्रिप के हिसाब से बच्चे यहाँ काम करते हैं। और ये देखिए मैं आपको पीछे का दृश्य दिखा रहा हूँ, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, अब धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसा कि इस समय शाम का नज़ारा है, और मैं अभी आपको कैमरा उस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ जिधर से आपको हिमालय के ऊंची पहाड़ियों का दृश्य दिखा सकूँ। और काफ़ी लोग देखिए यहाँ पे हैं, नौका विहार कर रहे हैं। देखिए ये ऊंची चोटियाँ आपको दिख रही होंगी, देखिए सफ़ेद रंग की चोटी दिख रही है आपको, दोनों पहाड़ों के बीच में बर्फ़ से ढकी हुई है, सूरज की रोशनी उसमें पड़ रही है। क्या अद्भुत दृश्य लग रहा है, बड़ा ही मनोरम दृश्य है। यह नेपाल के पोखरा में स्थित है। शाम के समय यहाँ बड़ा ही अद्भुत नज़ारा दिखता है। इसके बगल में ही बहुत ही अच्छा मार्केट है और वहाँ सब चीज़ें मिलती हैं, उपलब्ध हैं आपको। आप यहाँ का विजिट ज़रूर कर सकते हैं। मैं और भी विजिट कराऊंगा आपको नेपाल की कुछ जगहों का। और ये देखिए हम बारावी मंदिर की तरफ पहुँच चुके हैं, और ये देखिए मंदिर का दृश्य है, बड़ा ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। चूँकि शाम का समय हो गया है इसलिए पब्लिक कम दिखाई दे रही है, फिर भी पर्याप्त पब्लिक है। देखिए दूसरी तरफ ये झील है। अब हम वापसी की तरफ हैं, इस समय आरती का समय भी हो रहा है। जैसे गंगा आरती वाराणसी में होती है, ठीक उसी प्रकार की आरती यहाँ भी होती है। देखिए क्या सुंदर ही दृश्य है, चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग है, उसका प्रतिबिंब पानी में देखने भी कितना सुंदर लग रहा है। और हम धीरे धीरे अब वापसी की तरफ हैं, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। देखिए इस तरह से हम वापस हो चुके हैं, और ये मार्केट फिर से आपको, और इस प्रकार पोखरा का यह स्थान का भ्रमण पूर्ण हुआ। और भी ऐसे भ्रमण के लिए आप यदि चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब।